नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज। आज की रिपोर्ट में स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कल एक टीवी चैनल से वार्ता करते हुए बताया कि हमारी सरकार माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर अमल करेगी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हम जो भी फैसला लेंगे वो माननीय उच्च न्यायालय के अधीन ही लेंगे और जल्द जो भी मामले होंगे कोर्ट में उनके मामलों पर अमल करने का काम करेगी सरकार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी। देखिए क्या कहा वीडियो में। सरकार को लेकर के, क्योंकि ये जो केस है वो कोर्ट में है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है कि इसको लेकर के जो भी सरकार के तरफ से पहल करनी चाहिए कोर्ट में वो सारे पहल की जाएंगी। केसेस को सॉल्व करने के लिए हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए, लेकिन माननीय न्यायालय का जब इसमें कोई निर्णय। तो साथियों, देखा आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश करेंगे उसका पालन होगा और माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा उस पर विचार किया जाएगा और सरकार भी अपना पक्ष रखेगी। यहाँ पर हम निवेदन के साथ माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रार्थना के साथ याद दिलाना चाहेंगे कि अनुदेशकों का मामला कोर्ट से जीत प्राप्त हो चुकी है। अनुदेशकों मानदेय 17,009% ब्याज। खबर इसमें काफ़ी समय से चल रही है। स्पेशल कवरेज न्यूज़ के संपादक शिव कुमार मिश्रा जी और साथ ही उनके सुवेंदु दुबे जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार कहलाते हैं, अनुदेशकों के मुद्दे को, बेरोजगारों के मुद्दे को कई महीनों से लगातार अपने चैनल पर दिखा रहे हैं और उनके पक्ष में वार्ता कर रहे हैं। विषय विशेषज्ञों को बुलाकर उनके हक के लिए पूरी तन मन धन से लगे हुए, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं आया है सरकार की तरफ से। अब साथियों, एक और बड़ा समाचार आया अनुदेशकों के लिए। एपी सिंह के द्वारा आसमानी सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाएगा, अनुदेशकों का मुद्दा जाएगा, ऐसी संभावना है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शिव कुमार मिश्रा जी के माध्यम से भी ये समाचार प्राप्त हो रहा है। देखते हैं क्या होता है। तो ये थी साथियों आज तक की खास खबरें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड नियमों का पालन कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।